और अब आइए आपको दिखाते हैं वो सियासत जो अलग स्तर पे ही सुलग रही है बिहार की हिंसा को लेकर, क्योंकि अब तक सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स अगर बीते दिन से हो रही है तो वो नीतीश कुमार की उस तस्वीर पर हो रही है जिसमें वो लाल किले की तस्वीर के सामने इफ्तार पार्टी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम पार्टियां, बीजेपी भी हमला कर रही है, लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि दुकान जल गए, मकान जल गए और हुजूर खजूर खा रहे हैं इफ्तार के। पीछे लाल किले की तस्वीर और सामने सफेद मुस्लिम टोपी पहने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी। नीतीश कुमार की इस तस्वीर पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत सुलग उठी है। एक तो ये बिहार हिंसा की आग में सुलग रहा है और नीतीश कुमार बड़े आराम से इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। दूसरा ये कि नीतीश कुमार लाल किले की तस्वीर के आगे बैठकर क्या संदेश दे रहे हैं। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी वाली इस तस्वीर को देखकर सबसे पहले तो असदुद्दीन ओवैसी से नहीं रहा गया। उन्होंने कह दिया, नीतीश इफ्तार के खजूर खाते हैं लेकिन मुसलमानों का ख्याल भी नहीं रखते हैं। यानी मुख्यमंत्री हैं और आप जबान से इसको कंडम नहीं करते, ट्वीट करते हैं उनके अलायंस पार्टनर, इफ्तार की दावत कल खाते हैं, खजूर खाते हैं, कंपनसेशन अनाउंस नहीं करते, जाकर विजिट नहीं करते, वहां पर कुछ नहीं करते, क्योंकि मालूम ये कहां जाएगा बिहार का मुसलमान हमको छोड़कर। आरएसएस की राजनीति का उन्माद का जो राजनीति है उसके बी टीम के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ओवैसी साहब, तो ओवैसी साहब को इमारत शरिया जैसा संगठन चूंकि उनको बुलाता नहीं है इसलिए कि ये उन्माद के लोग हैं, उनको निमंत्रण मिला नहीं, तो नीतीश कुमार जी तो इमारत शरिया के कार्यक्रम में गए और जो परंपरा है उसके अनुसार दावते इफ्तार में उनको टोपी समर्पित किया। लेकिन आप जो नरेंद्र मोदी का राजनीति का टोपी पहने हुए हैं तो आपको तो सब पहचान गया है कि नकली टोपी वाला है, तो न इमारत सरिया बुला रहा है न जनता बुला रही है। सिर्फ नीतीश कुमार को ही नहीं बल्कि ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी प्रहार किया। हम आपको बता दें कि हाल ही में अमित शाह ने नालंदा में दंगा करने वालों को उल्टा लटकाने की बात कही थी। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए, ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। देश के होम मिनिस्टर बोलते हैं कि उल्टा लटका देंगे उनकी सरकार आएगी, अरे उल्टा लटकाइए ना बिल्किस बानो के खातिलों को, रेप करने वालों को उल्टा लटकाइए, इदरीस पाशा के जो मॉब लिंचिंग हुआ रामनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, किडनैप करके मार दिया गया उसको, जुनेद नसीर के मारने वालों को उल्टा लटकाइए। अमित शाह साहब क्यों नहीं लटकाते आप एक तरफा क्यों बात करते हैं? आप तो भारत के होम मिनिस्टर है ना, जब आप उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं तो ठीक है संविधान भी उल्टा लटक जाएगा, जब मैं सबको लटकाइए उल्टा आप। बिहार में हुई हिंसा पर भी ओवैसी ने नीतीश कुमार और अमित शाह को घेरा, तो ये भी कहा कि बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। बीजेपी की तरफ से तो तमाम केंद्रीय मंत्री भी हमलावर हो रहे हैं। इस बीच आइए आपको सुनाते हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी क्या कह रहे हैं। इफ्तार में जाना कोई गुनाह नहीं है, इफ्तार तो मैं भी करता हूँ, हर साल करता हूँ, और देखिए मेरी आपत्ति किसी चीज पर नहीं है, यानी फोटो खिंचवाया तो ठीक है, हमारी आपत्ति केवल अगर है तो सासाराम और नालंदा में जो कुछ हुआ, और नालंदा जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है और केवल इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कर दिया होता, और देखिए नालंदा के जिस इलाके में घटना घटी यहां पहले भी तनाव हर साल बना रहता है, लेकिन इस बार घटना घटने का मुख्य कारण दोनों जगहों पर कि फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ, होमगार्ड के जवानों को आपने खड़ा कर दिया, तो ये कैसा शासन है, ये कैसा प्रशासन है, तो ये तो आपका फेल्यूर है। और मैंने नीतीश जी को देखा है जब हम लोग के साथ एक काम करते हुए, वो एक पल पल की मॉनिटरिंग करते थे, मजाल नहीं था कोई घटना घट जाए, और अगर घटना घट गई तो तुरंत उसको काबू में लेना,